एक और ये दूसरी गेंद, बहुत ही अच्छा शॉट, और ये बाउंड्री लाइन के बाहर, दूसरी गेंद और ये चौका, ये है प्रीतम बारी का। टीम का निजी स्कोर 18 रन। ये बिल्कुल विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन। और इसी विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ खेलना ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ 10 ओवर का मैच है, T20 भी नहीं है, ये T10 है। T10 में तो धुआंधार बल्लेबाजी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ओवर 10 है, विकेट ही 10 है। तो इस समय गेंदबाजी के लिए नीलेश घूगे आ चुके हैं। वसंत केसरी का जो पहला ओवर रहा काफ़ी महंगा साबित हुआ था। अब देखना है कि वसंत जो है इसे किस तरह से रोकते हैं। बल्लेबाजी छोर पर नितिन सिंह हैं, वो भी अपने धुआंधारी बल्लेबाजी के ग्रुप में जाने जाते हैं। और ये दूसरा ओवर है जो पावर प्ले का ओवर होता है। और ये पूरी तरह से बाहर गई, बहुत ही बाहर थी, उतना ही अच्छा उसको फील्ड किया गया, और वाइड गेंद का इशारा, एक एक्स्ट्रा रन। इस और बार ये ये फ्लिक गेंद लेग की तरफ फ्लिक किया गया, वहाँ पे फील्डर मौजूद थे, और बड़ी आसानी से एक रन लिया जा चुका है। इस समय 20 रन हो चुके हैं, 7 गेंदों में 20 रन।
और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक प्रीतम को देना पसंद करेंगे। पहली ओवर में उन्होंने जलवा दिखाया अपना, 18 रन बनाए थे। और इसी तरह से अगर धुआंधार बल्लेबाजी चलती रही तो प्रोजेक्टेड स्कोर 170 का टारगेट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसी ही कोशिश होगी। प्रीतम बारी के लिए टाइम समय लिया जा रहा है, फील्डिंग के जमावड़े को उनके लिए खास तौर पर सजाया जा रहा है। ऑफ साइड पर देखिए लगभग मिड ऑफ शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर शॉर्ट कवर शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट पॉइंट और शॉर्ट डीप थर्ड मैन पर खिलाड़ी लगाया जा चुका है। डीप फाइन लेग पर भी खिलाड़ी है। इसी बीच ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, व्हाइट का इशारा अंपायर का आता हुआ, अतिरिक्त रन। किस रन हो चुके अब तक। इसी बीच उठाकर खेल दिया, ओहो कमाल का ये स्ट्रोक, गगनचुंबी छक्का बिल्कुल। और ये गेंद इतनी ऊंची गई जिसे एयर होस्टेस भी हाथ लगा सकती थी। यस, इसीलिए प्रीतम बारी अपने धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और आज उसका प्रदर्शन हमें देखने मिल रहा है। प्रीतम बारी का निजी स्कोर 24 पहुंच चुका है और टीम का निजी स्कोर 27 रन, उसमें दो एक्स्ट्रा हो चुके हैं। बिल्कुल, प्रीतम बारी इस वक्त छक्के चौके के व्यापारी बन चुके हैं, इनको सिंगल डबल पसंद नहीं। फिर से एक बार उठाकर खेल दिया और गेंद सीधी जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक, फील्डर के ऊपर से उठाया है ये और दो गेंदों में अब तक 10 रन बटोर चुके हैं टीम के लिए। और ये ओ माय गॉड, सीधे कमेंट्री बॉक्स में, थैंक यू, धन्यवाद। 6 रन, शायद उन्होंने हम सब की आवाज सुन ली थी, उन्होंने हमारी उस आवाज को स्वागत के लिए बॉल ही भी यहां ही भेज दिया कि भाई आप भी ले लो बॉल। तो बहुत ही अच्छा छक्का, 37 रन। प्रीतम बारी सबको पड़ गए भारी, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। फिर से और ये, लेकिन वहां पे थोड़ी सी तालमेल की कमी दिखाई दी, प्रीतम बारी ने उन्हें वापस भेजा, ये डेंजरस हो सकता था। बहुत ही सूझबूझ के साथ नितिन को उन्होंने वापस भेजा, कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। बिल्कुल, सिंगल डबल्स में विश्वास नहीं रखते, छक्के चौके में ज्यादा विश्वास रखते हैं, यहाँ जरूरत भी नहीं है। और ये मिस फील्ड हुई, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है लेकिन पकड़ा जा चाह सकता है। धीरे से उन्होंने एक रन लिया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। रन हो चुके हैं दो ओवर की समाप्ति पर, 19 रन की औसत रन रेट से खेला जा रहा है इस समय, और अगर इसी तरह से खेलते रहें तो 190-200 रन बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है टीम फोनिक्स द्वारा, जो कि इस टूर्नामेंट का एक बहुत ही सम्मानजनक स्कोर हो सकता है। और ये दोनों बल्लेबाज अगर ट्रीज पे टिके रहें तो ये मुश्किल नहीं है। ग्यारह गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से प्रीतम बारी 35 के निजी स्कोर पे हैं इस समय। नितिन ने अब तक एक बॉल में एक ही रन बनाए हैं, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ नितिन खेल रहे हैं, पूरा सहयोग देते हुए प्रीतम बारी को। अगली गेंद
और ये बाहर बहुत ही बाहर थी ऑफ स्टंप से और इसे वाइट का इशारा दिया गया एम्पायर द्वारा। एक एक्स्ट्रा रन बहुत अच्छी गेंद, ये बहुत बढ़िया वापसी, बीट हुए बल्लेबाज। कुछ ऐसी ही गेंदबाजी करनी होगी और ये विकेट चटकाना होगा, बहुत ही जरूरी है इस समय। ये बहुत ही अच्छी गेंद रही वसंत केसरी द्वारा और टीम वॉल्वरिन अपने बॉलर से इसी तरह की गेंदबाजी की चाहत रखी गया क्योंकि जिस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी इस समय प्रीतम बारी कर रहे हैं। और ये वाइड का इशारा, अच्छी गेंद थी लेकिन काफ़ी स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर थी और वाइड करार दिया गया एम्पायर द्वारा। इसी तरह से एक रन का इजाफा, 40 रन हो चुके हैं, तीसरा ओवर इन प्रोग्रेस। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस समय वसंत केसरी द्वारा दिखाया गया और अगर लाइन एंड लेंथ को इसी तरह बरकरार रखते हैं और प्रीतम बारी के बल्ले को रोक सकते हैं। और ये हवा में थी गेंद लेकिन फील्डर काफी पीछे मौजूद थे और जब तक फील्ड करते सिर्फ एक रन लिया जा चुका। इसी के साथ 41.4 ओवर्स की समाप्ति पर कोई नुकसान नहीं अब तक। इस ओवर में अभी भी दो गेंदें शेष रह गई हैं। इसी बीच ये काफी अच्छा ओवर चलता हुआ, बहुत ही बढ़िया, रन लेने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ओ डंडा गया, शेयर कर दे, फर्नीचर ब्रोकन, बहुत ही बढ़िया, तेज करार गेंद और क्लीन बोल्ड, जबरदस्त गेंद फेंकी। आइए इसे एक्शन रिप्ले में भी देखते हैं कि किस प्रकार से वो आउट हुए। स्टंप टू स्टंप गेंद, कमाल की गेंद थी और बल्लेबाज इस समय आउट हो चुके। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
40 रन। किरु वक्रन अभी नए बल्लेबाज मैदान पर। गेंदबाजी करेंगे सिद्धांत जंगम। स्ट्राइक पर इस समय प्रीतम बारी। उठा कर खेल दिया, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक और गेंद सीधी 6 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त प्रहार, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन। विद द हेल्प ऑफ द सिक्सर्स नाउ द स्कोर मूव्स अप टू 47। Once again wanted to hit, but this time outside of the leg stump, and it's wide ball. Extra के तौर पर रन आता हुआ 47 रन हो चुके हैं इस की मदद से। उठाकर खेलने का प्रयास था, प्रहार करने की कोशिश, लेकिन गुडलैंड पर टप्पा खाने के बाद बीट हुए थे बल्लेबाज। मौका नहीं दे रहे हैं बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए, कुछ ऐसी ही गेंदबाजी करनी होगी। इसी बीच ये ओहो ये गेंद तो सीधे फाइल लेके और गेंद गई, और इसी बीच लेग 22 का इशारा आता हुआ, लेग 22 के तौर पर यह रन आता हुआ। पटकी हुई गेंद बिल्कुल नटराज अंदाज में, पुल पावरफुल सक्सेसफुल डिलाइटफुल चौका। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक खेला, ये गेंद को आने दिया बिल्कुल नटराज अंदाज में, इस स्ट्रोक को खेला गया। इसी बीच उठाकर खेल दिया हवा में गेंद, लॉन्ग ऑन क्षेत्र से खिलाड़ी आए नहीं रोक पाए, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से सीमा रेखा पार चौके के लिए गेंद जा चुकी है। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, बल्ले के मध्य से खेला और सीधे गैप में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी थी। चौके के मदद से फिनिक्स का स्कोर अब तक हो चुका है 57। पटकी भी गेंद थी लेकिन जिसे अपने तखनों पर उछलकर धकेल दिया ऑफ साइड पर, और एक रन तेजी के साथ पूरा किया। 4 ओवर की समाप्ति, फिनिक्स का स्कोर अभी हो चुका है 58 एक विकेट के नुकसान पर। प्रीतम बारी उनका व्यक्तिगत स्कोर हो चुका है 42, केवल 18 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 4 छक्के अब तक लगा चुके हैं। और किरु मंकरन का स्कोर हो चुका है 9, केवल 3 गेंदों का सामना किया, 2 चौके उन्होंने भी लगाए हैं। अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो वसंत केसरी ने 2 ओवर फेंके 21 रन खर्च किए,
नीलेश घुगे एक ओवर फेंककर 20 रन दिए, सिद्धांत जंगम ने एक ओवर फेंककर 16 रन खर्च किए, तो सभी गेंदबाज खर्चीले साबित हो चुके हैं। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। समय फील्डिंग के जमावड़े को बदलते हुए ऑन साइड पर लगभग डीप में दो खिलाड़ी लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट की दिशा में, शॉर्ट मिड विकेट माफ कीजिएगा, डीप स्क्वायर लेग शॉर्ट फाइन लेग, चार खिलाड़ी इस समय ऑन साइड पर लगाए गए हैं किरु बकरन के लिए। और इसी बीच ही अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल पे गेंद थी जिसे ड्राइव करने का प्रयास और बल्लेबाज तो संपर्क नहीं कर पाए। नीलेश घुगे ने आते ही डॉट के साथ शुरुआत की है, यहां से रोकना होगा रन रेट को। रन इसी बीच गेंद को आने दिया और कलाइयों के सारे मोड़ दिया, उछाल थी शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया था और इसी बीच एक रन आता हुआ टीम के लिए। हालांकि शुरुआत काफी बढ़िया की, पावर प्ले के ओवर में बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन रहा प्रीतम बारी द्वारा। पहले ओवर में 18 रन, दूसरे ओवर में लगभग 20 रन आए थे, दो ओवर में 38 स्कोर था। पहला विकेट गिरा था इस बीच उठाकर खेल दिया है और क्या ये लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी नहीं रोक पाए, गेंद सीमा रेखा पार, बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक खेला प्रीतम बारी, इस चौके के मदद से पहुंच चुके हैं 46 पर। क्या बड़ा स्ट्रोक खेलकर अपना अर्धशतक पूरा करेंगे। फुलटॉस गेंद और इस समय देखिए बड़ा गैप और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और चौके के मदद से प्रीतम बारी पहुंच चुके हैं 50 पर और अपना अर्धशतक पूरा किया। कमाल का 20 गेंदों का केवल सामना किया जिसमें 6 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए और 20 गेंदों का सामना करते हुए 50 पर पहुंच गए हैं। फिर से एक बार फुलटॉस ऑन साइड पर खेल दिया, डीप स्क्वायर लेग पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी वहां पर तैनात है। टहलते हुए कदमों से एक रन को पूरा किया, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा। हालांकि उन्होंने प्रभावित किया अपने बल्लेबाजी से। फिनिक्स टीम को यहां पर गेंदबाजों को विकेट चटकाना जरूरी है, रन रेट को रोकना होगा और एक हाथ दो विकेट भी चटकाने होंगे। नीलेश घुगे गेंदबाजी करेंगे किरुबनकरन के लिए। शॉर्ट पिच गेंद, बल्ला उठाया, प्रहार करने की कोशिश, चूके और इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति। फिनिक्स का टोटल स्कोर 68 एक विकेट के नुकसान पर। प्रीतम बारी व्यक्तिगत स्कोर 51 और किरुबंकरन का स्कोर हो चुका है 10।
बहुत ही जबरदस्त कमाल का स्ट्रोक, देखने लायक स्ट्रोक। जब भी प्रीतम बारी लौटेंगे तो निश्चित तौर पर एक्शन रिप्ले में और यूट्यूब पे बार बार देखेंगे कि किस प्रकार से यह स्ट्रोक को खेला, क्या टाइमिंग था। सम्मान किया इस गेंद का और एक रन के लिए दौड़ लगाई, थ्रो भी बढ़िया किया और एक ही रन से संतुष्ट। उठाकर खेल दिया ऑन द राइज, बहुत ही बढ़िया मिड विकेट क्षेत्र में गेंद, 6 रनों के लिए बहुत ही सुंदर स्ट्रोक। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, एक्यासी रन बन चुके हैं अब तक। फिर से उठाकर खेल दिया लेकिन इस समय डीप पॉइंट पर क्षेत्र रक्षक भी तैनात, बढ़िया थ्रो किया और नहीं कलेक्ट कर पाए, क्या दूसरे रन के लिए दौड़ और एक दौड़ लगाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। 3 रन मिलेंगे, जहां पर केवल 1 रन मिलने वाला था वहां पर 3 रन मिले, 84 रन। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची है, सीधे बल्ले से खेल दिया है मिड ऑफ कर, तुरंत ही 1 रन के लिए दौड़ लगाई, बैक ऑफ लेन इस बार हुक करने का प्रयास, व्हाइट का इशारा, अतिरिक्त रन। और ये गेंद हवा में है, थर्ड मैन के खिलाड़ी वहां पर थे लेकिन वो गेंद कैरी नहीं हुई और इस समय रन बनाने का मौका मिला। 6 ओवर की समाप्ति, 86 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
और ये गेंद सीमा रेखा पार चौके के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया और कदेड़ते हुए गेंदबाज ने पैरों से रोका, लेकिन एक रन तो लेने से नहीं रोक पाए, एक रन पूरा किया। और फुल टॉस कन्वर्ट किया, खिलाड़ी तैनात और एक रन लेने का मौका। इस एक रन के मदद से स्कोर 92 पर जाकर पहुंच चुका है। सातवां ओवर जारी है। Full toss one, plating in the air, and let's see. Taken. What a catch taken! Beautiful catch. It was in the air for a long time, and fielder comes underneath and is taken. Good catch taken. Wasant Kesari has taken that catch. ओ, बहुत ही जबरदस्त प्रहार, नहीं रोक पाए, गेंद सीमा रेखा पार चौके के लिए, बहुत ही जबरदस्त चौका। इस बार गेंद को आने दिया था, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर निकली टपा गिरने के बाद। तेज करार गेंद थी, व्हाइट का इशारा अंपायर का इस बीच आता हुआ। बल्ले से जड़ से टकराकर पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए नहीं दौड़ लगाएंगे। सात ओवर की समाप्ति, 98 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
मोटा सिरा लेती हुई गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई है और इस समय तेजी के साथ पूरा रन किया एक और स्ट्राइक पर इस समय आ चुके हैं प्रीतम भारी। प्रीतम भारी का व्यक्तिगत स्कोर हो चुका है 60, केवल 25 गेंदों में उन्होंने इतने 60 रन बनाए। उठाकर खेलने का प्रयास, बीट हुए इस बार प्रीतम भारी, बीट हुए। तेज कर्रार गेंद फेंकी थी, इस बीच उठाकर खेल दिया लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया कैच। और इस समय प्रीतम भारी, उनकी बारी समेटती हुई, साठ रन बनाकर पैवेलियन में लौट चुके हैं और कमाल का उनका यहां पर योगदान रहा अपने टीम के लिए। 60 रन बनाए, 26 गेंदों का सामना किया, 6 चौके 5 छक्के लगाकर एक अच्छा योगदान उनका रहा अपने टीम के लिए। बहुत ही कमाल की पारी रही उनकी, जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन रहा। निन्यानवे स्कोर हो चुका है। अभिरूप इस समय मैदान पर, सिद्धांत जंगम ने बहुत बढ़िया कैच लिया प्रीतम भारी का, काफी देर तक हवा में गेंद थी। पटकी भी गेंद पुल करने का था लेकिन नहीं बल्ले पर ले पाए। ऑन राइस ऑन ड्राइव किया लॉन्ग ऑन के ओर और इस बीच थोड़ी सी मिस हड़बड़ाहट हुई लेकिन पीछे जाकर तुरंत ही उन्होंने गेंद को रोक लिया, थ्रो भी किया और केवल एक ही रन प्राप्त हुआ। हो बहुत ही बढ़िया ये स्ट्रोक लेकिन केवल एक ही रन प्राप्त होगा। इस ओवर में केवल 3 रन है, कम खर्चा और इस विषय में फुल चर्चा भी होगी। बहुत ही जबरदस्त यहां पर गेंदबाजी रही, 3 रन देकर सफलतापूर्वक ओवर अपना पूरा किया। 8 ओवर की समाप्ति 101 रन 3 विकेटों के नुकसान पर।
इस बार ये बहुत बढ़िया गेंद बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास बीट हुए। कदमों का इस्तेमाल किया, पहला रन तेजी के साथ भाग पाकर पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर ने तुरंत ही थ्रो फेंका। बहुत बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल में गेंद, उठाकर खेलने का प्रयास बीट हुए। फिर से एक बार उठाकर, ओ हो हो, आउट हो के तो ये आउट हो चुके हैं। हिट द बॉल ट्वाइस, हिट द बॉल ट्वाइस एंड इसके वजह इसी बीच बिना कुछ फुटवर्क के खेलने का प्रयास किया। फ्लाइटेड गेंद और लॉन्ग ऑफ के ओर खिलाड़ी भी तैनात थे। इस ओवर में केवल दो रन आए, पिछले ओवर में तीन रन आए थे। कमाल की गेंदबाजी, फिनिक्स का टोटल स्कोर 9 के बाद 103, चार विकेटों के नुकसान पर।
ऑथराइज खेला ऑन साइड पर मिड विकेट के खिलाड़ी वहां पर तैनात है, केवल एक ही रन मिलेगा, तुरंत ही थ्रो किया। चार गेंदें अभी भी बची है इस ओवर की। दिस टाइम वांटेड टू प्ले बिग, वांटेड टू प्ले स्क्वायर कट, नॉट एबल टू कनेक्ट एंड द बॉलर इज नॉट अलाउिंग द बैटर टू प्ले एनी बिग स्ट्रोक। गुड पीस ऑफ बॉलिंग। Converted full toss and the fielder in the deep, very good throw and only a single taken. Since 7 overs, these are the good overs. This one will be in the air, high in the air. Will it be taken? That lands safely. And meanwhile, going for the another run. Two runs taken. Good running between the wicket. .107 total. There is going to be the last ball of the over. Last ball of the inning. Do they need physio? I think they need physio. Okay, they don't need. Actually, physio was ready here, but he turned back. That's the full toss. High in the air, and once again it landed safely. Meanwhile, the batter is going for the second and could be a close. Let's see, and yes, umpire has given. So run out at the last ball of the over, last ball of the inning. And the total score will update you. Phoenix has batted well, especially Pritam Bari has batted well today for the team. And it's 108 with the loss of 5 wickets. After 10 over, Phoenix have given a target to Wolverines of 109.